अपनी दिल्ली सबकी दिल्ली। दिल्ली रोहिणी पूजा समिति द्वारा नवरात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में अष्टमी की दुर्गा पूजा का विशेष आयोजन कालीबाड़ी मंदिर सेक्टर 7 रोहिणी में बड़े ही धूमधाम व विधि विधान के साथ किया गया। मेरा नाम लिपिका रॉय है और ये दुर्गा दिल्ली रोहिणी पूजा समिति का ये हमारा 31वां साल है जब हम एक बारो यारी दुर्गा पूजा मनाते हैं। आज का माहौल आपको यहाँ पे बिल्कुल ही अलग दिखेगा। आज अष्टमी महाअष्टमी है इस शारदोत्सव का और महाअष्टमी आज सुबह 6 बजे से सुबह के 9:30 तक था। उसके बाद संधि पूजा होती है। संधि पूजा इस पूरे दुर्गा उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण पूजा माना जाता है क्योंकि ये कहते हैं कि इस समय का जो दुर्गा पूजा है ये श्री राम ने शुरू किया था जब वो रावण को मारने के लिए उन्हें शक्ति चाहिए थी। तो ये अष्टमी लग के नवमी जब लगती है इस संधि के समय माँ दुर्गा ने श्री राम को दर्शन दिया था और उनको शक्ति दी थी कि वो दशहरा के दिन रावण का दहन कर सके। इसीलिए पूरे दुर्गा पूजा के अंदर संधि पूजा का एक विशेष महत्व है जो कि आज सुबह था 10:30 से 11:30 और हमारा ये 31 साल हो गए हैं इस पूजा को और हमारा पूरा पूजा समिति एक बहुत ही अच्छे परिवार की तरह है जो सब एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहते हैं और आप सबका इसमें स्वागत है और माँ दुर्गा आप सबको आशीर्वाद दें कि आप सदा खुश अच्छे स्वास्थ्य में और पूरे परिवार के कल्याण के साथ रहे। हेलो, मैं विष्णु बैनर्जी और मैं ये दिल्ली रोहिणी पूजा समिति जिसको रोहिणी कालीवारी भी कहते हैं दिल्ली में, ये संस्था बहुत पुरानी संस्था है और दिल्ली में वन ऑफ दी ओल्डेस्ट बहुत एक प्राचीन संस्था है। बंगाली सिर्फ बंगाली को नहीं, गैर बंगाली भी इधर आते हैं और हमारे इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं। हमारी जो दुर्गा पूजा है वो षष्ठी रात से लेकर नवमी तक होती है और क्योंकि विजयदशमी में रामचंद्र जी जय उपलब्ध कर लेते हैं तो उसकी वजह से हम विजयदशमी इसके दुर्गा जी के विसर्जन करते हैं और उधर से विजयदशमी रावण को जला के होती है, वो शाम को होती है। सुबह सुबह विजय वध करके उसके बाद हम ये दुर्गा मूर्ति को हम विसर्जन कर देते हैं। ये हमारी षष्ठी शाम से शुरू होती है जो असली पूजा। आई एम सुबीर रॉय, आई एम लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विथ DRPS विच इज दिल्ली रोहिणी पूजा समिति। मेरा फ्रेंड जो विष्णु, ही हैज ऑलमोस्ट स्पोकन अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ दुर्गा पूजा एंड ऑल दैट। देर आर वन और टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई डू नॉट नो वेदर मेनी पीपल नो अबाउट। यू विल फाइंड देर आर टू टाइप्स ऑफ पूजा होता है, एक सार्वजनिक दुर्गोत्सव विच इज अ कम्युनिटी वर्शिप ऑफ दुर्गा, द
ज़्यादा वन इज जो घर में होता है, जो प्राचीन जिसने फैमिलीज होता है वहाँ पे घर में भी दुर्गा पूजा होता है। घरों में जो दुर्गा पूजा होता है, बंगालीज में कुछ होता है जो विष्णु का उपासक है, वैष्णवाइट है, और कुछ है जो शाक्त है, मतलब काली माता के उपासक है। तो वैष्णवाइट जब दुर्गा पूजा करता है, इनका जो शेर बनते हैं, जो वाहन बनते हैं, शेर का फेस कुछ हॉर्स जैसा होता है। जो वैष्णवाइट होता है, इनका जो दुर्गा का जो आइडल बनता है, उनका शेर जो होता है, वाहन जो होता है, शेर फेस इज लाइक ए हॉर्स, इफ़ यू हैव नोटिस्ड इट। एंड जो शक्त होता है, जिनका यहाँ मांस वगैरह, जिनका यहाँ बलि वगैरह, बलिदान वगैरह ये सब होता है, इनका यहाँ शेर का फेस शेर जैसा ही, लायन जैसा ही होता है। बट ये सिर्फ जो घरों में जो पूजा होता है ना, जो ट्रेडिशनल जो जहाँ से शुरू होता है, वहाँ ये चीज़ फॉलो किया जाता है। बाकी सार्वजनिक, जैसे हमारा जो सार्वजनिक है, चीज़ कम्युनिटी सेलिब्रेशन, इसमें तो उस तरह रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। बाकी दिस इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एनी वन हु कम्स फ्रॉम एनी कम्युनिटी, दे कैन कम एंड इनफैक्ट इन आवर एसोसिएशन, दिल्ली रोहिणी पूजा समिति, देर आर पीपल कमिंग फ्रॉम नॉट ओनली बंगालीज, पीपल कमिंग फ्रॉम अदर कम्युनिटीज एज वेल, दे कम, दे हेल्प अस आउट, दे टेक पार्ट इन द वर्क एंड दे एंजॉय द होल थिंग। मेरा नाम सुब्रत सिल है, मैं दिल्ली रोहिणी पूजा समिति में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये पूजा करीब 31 साल पुराना है और रोहिणी के अगल बगल से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर पूजा। यहाँ पर 4 तारीख से शुरू हुई है जो 8 तारीख तक होगी। हम लोगों ने इस बार ये तय किया कि कोई प्लास्टिक या सेलोफिन इस्तेमाल नहीं किया जाए, टोटली प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट चाहते हैं यहाँ पर, और आगे भी इसको मेंटेन करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।